वैसे भी तू हीरो है ना, चरस गांजे के अलावा तुम लोग जी कहां सकते हो। और वैसे भी आखिरी है, अंदर नहीं मिलेगी। अंदर कुछ नहीं मिलेगा, प्रोटीन शेक तो मिलेगा ना? नहीं, मैडम एसी तो होगा ना अंदर। वो भाई कूलर, सर सर गुड नाइट तो होगा ना, या ऑल आउट मोर्टिन जो आपको ठीक लगे लगा दो। सर एक ड्रिंक के बिना मेरे को घर पे भी नींद नहीं आती है, ये जेल है, कुछ तो जुगाड़ हो सकता होगा जो जो आपको ठीक लगे। ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बट देयर इज अ वे आउट। इधर तो बेड भी नहीं है यार, बेड बेड तो दे दो यार। जैन सर, ऑल वेल सर। हाँ सर, कैदी नंबर 104 को हमने हमारे सेल में शिफ्ट किया, कुछ वायलेंस हुआ था। नहीं सर, कल्प्रिट वो नहीं होगा, पर हम लोग कुछ क्वेश्चनिंग करके आपको फाइल भेज देते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सिगरेट आपके पास? नहीं 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 नहीं। पी ले, यहाँ सिगरेट ऐसी मिलेगी, आदत डाल ले। आदत वादत नहीं डालनी है, निकल रहा हूँ बस थोड़े टाइम में मैं, ठीक है? रुकना नहीं है यहाँ पे। अच्छा कौन है रे तू? मेरे को नहीं जानते। तू जानता है खुद को? एक्टर हूं मैं, हीरो। मेरी पिक्चर नहीं देखते आप? पिछले 30 साल से तो कोई पिक्चर नहीं देखा अपन ने, और अखबार अपन पढ़ता नहीं है। यहां पिक्चर नहीं दिखाते क्या? वो सरकारी छुट्टी पे देशभक्ति की फिल्में देखने को मिलती हैं बस। तुझे भी आदत पड़ जाएगा। आदत वादत नहीं डालनी, मेरा वकील मुझे निकाल रहा है, मैं बस निकल रहा हूँ। मैं तो बोलता हूँ, बगल वाले ब्लॉक में एक बाबा है, बहुत बड़ा बाबा हुआ करता था, अभी हर सुबह वो संडास धोता है। वो मैं नहीं हूँ, उसके क्राइम्स अलग हैं, मेरे क्राइम्स अलग हैं। तेरा क्या क्राइम है? दोस्तों के लिए LSD, हीरोइन, ड्रग्स वगैरह लिए थे, घर पे रेड पड़ी, पकड़ा गया। अरे तो बोलना था दोस्तों के लिए, साला होश में नहीं था। मतलब तू पूरा भंड था। काय का हीरो है रे तू, ला माचिस पकड़ा। आप यहाँ कैसे? ऐसे एक दिन अपन घर से निकला, सोचा कि जेल होते हुए चलूं, अभी तो यहाँ है ना, अभी रोज बातें होंगी, मजा आएगा। देखो मेरे पास बहुत पैसे हैं। तो मेरे पास भी था, क्या हुआ? चल छोड़िए सब। तू ये बता कि पिछले 30 साल में क्या क्या बदलाव आ रहा है? मैं खुद 29 साल का हूं। खाना और दवाइयां
सस्ता हो, बल्कि और महंगा हो गया। अच्छा, वो मुंबई में वो लंबी लंबी ब्रिजें बनी क्या? एक सीलिंग नाम का ब्रिज बना है, बांद्रा से वर्ली को जोड़ता है, और लोग फटफट गाड़ी चला के तेज 2 मिनट में पहुंच जाते हैं। फटफट गाड़ी चला के? अरे तो फायदा क्या हुआ है? आराम आराम से जाने का, हाँ, खुली हवा, खुली हवा का मजा लेने का, बिंदास। क्या पता कब बंद हो जाए। अगली बार याद रखूंगा एक। भारत पाकिस्तान के बीच में दोस्ती हुआ क्या? बल्कि दरारें और पैदा हो गई हैं। अब तो हालत ऐसी है, इंडिया में रहकर अगर कोई इंडिया के अगेंस्ट बोल दे तो उसे पाकिस्तानी बोल देते हैं। अच्छा ये बता, ये अरेंज मैरिज इलीगल हुआ? क्या बात कर रहे हो आप, ये कैसे हो सकता है? मुझे नहीं लगता कभी होगा। होना चाहिए ना? आपका लव मैरिज था क्या? फिर भाग के किया था शादी? अब उनका घर वाले थे नहीं, उसके माने नहीं। तो आप तो रोमांटिक हीरो निकले। बच्चे पैदा नहीं हुए तो कोई कोई हीरोइन नहीं है क्या? हीरोइन हीरोइन है पर कोई टिकती नहीं, क्या करे। क्या उम्र बताया तूने अपना? 29। 26 का था मैं जब अपन ने शादी बना डाला। आपको पता है अब उतना आसान नहीं है, टिंडर का जमाना है ना। टिंडर टिंडर एक ऐप है जो आप फोन पे डाउनलोड करने का, आप लड़की की फोटो देख सकते हो, लड़की आपकी फोटो देख सकती है, और फिर आप डिसाइड करो आपको पसंद है कि नहीं है, वो क्या करती है, क्या पढ़ती है, आप बस। ये साला, ये तो अरेंज मैरिज हुआ ना? कैसे? मंजे वहां भी तुम फोटो देखता है, इधर भी देखता है, वहां भी लड़की का जात पात पढ़ाई लिखाई देखता है, इधर भी देखता है, फिर लड़की से मिलता है, फिर तय करता है कि साला में प्यार करेगा या नहीं करेगा। अरेंज मैरिज मतलब कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। प्यार है तो है, वरना नहीं है। अब लड़की नॉनवेज नहीं खाता है तो मैं उससे प्यार करेगा है? या लड़की मंदिर जाता है तो मैं उससे प्यार करेगा? अरे ऐसा थोड़ी ना होता है यार। ये प्रॉब्लम तब भी था, अब भी है। तो क्या बदला रे 30 साल में? कुछ नहीं, कुछ नहीं। आपको पता है इतनी बातें मैं बाहर किसी से नहीं करता हूं। क्यों रे? बाहर तो तू हीरो है। घंटा हीरो हूं मैं, सब इस्तेमाल करते हैं मेरा। एक पिक्चर चली तो सर पे बिठाते हैं, बस एक पिक्चर ना चले ना मेरी तो कुत्ता भी नहीं पूछता है, कुत्ता। आपको कल की बात बताता हूं, जिन दोस्तों ने मेरे को इन चीजों की लत लगाई, LSD, हीरोइन, ड्रग्स सब कराया। एक बंदा
पीछे के दरवाजे से भाग गया, एक बंदा बालकनी से कूद गया, सब भाग गए, सब छोड़ के चले गए, मेरे को एक नहीं रुका मेरे साथ। ऐसे तो दोस्त है मेरे, ये दोस्त है मेरे, आपको मतलब बाहर किसी के पास टाइम नहीं है, दो मिनट कोई रुक नहीं सकता, किसी से किसी का हाल चाल नहीं पूछ सकता है, विकल्प नहीं होना चाहिए, फोन पे लगे रहते हैं, विकल्प नहीं होना चाहिए। एक्टर नहीं हूं मैं, हीरो भी नहीं हूं, अकेला हूं मैं। बच्चे तू हीरो ही है, क्योंकि तू बाहर की इस दुनिया को झेल सकता है। जेल में रहना तो इतना आसान है रे, दोस्त बन जाते हैं, काम मिल जाता है, खाना मिलता है रोज, बिना नौकरी के। और अपनों से दूर रहने की आदत पड़ जाती है ना, आसान ही हुआ ये सब, कहां मिलता है बाहर, इसीलिए तू हीरो है। हे स्टॉप क्राइंग, वुडन्ट योर हीरोइंस थिंक आप पूरा गोदाम है रे, माचिस का विकी कुमार बेल झाली आहे तुमची, इतनी जल्दी? आता काय आयुष्य घालवतो इथे, विकी असली नाम है क्या? बाबा ने नाम विकास रखा था, विकास तो हुआ नहीं इसीलिए विकी। लगे तो आना दोबारा, कोशिश पूरी करूंगा कि वापस आना ना पड़े। हाँ भाई हीरो, बेल तो होगी तेरी, ये बात तो साफ है कि पहुंच बहुत ऊपर तक है तेरी। साला एक ग्लैमर वर्ल्ड, सर वो जो कैदी था मेरे साथ वो कब छूटेगा? कौन वो कैदी नंबर 104? हाँ कभी नहीं, लाइफ इंप्रिजनमेंट में है वो, बिजनेस पार्टनर ने धोखा दिया इसलिए शराब में डूब गया था। ऐसे ही एक दिन शराब के नशे में घर पहुंचा तो प्रेग्नेंट बीवी के साथ में कुछ नोकझोंक हुई, बात यहां तक पहुंची कि इसने बियर की बोतल उसके सर पे दे मारी, मर गई। पर तू क्यों उसमें इतना इंटरेस्ट ले रहा है भाई?